सामान्यतः अच्छे क्रियाकलापों, अच्छे कर्मों, सत्य से ओतप्रोत गतिविधियों को, सकारात्मकताओं को, सद्गुणों को, सत्कर्मों, सदचरित्रों, सदराहों पर चलने वाले कर्मों को, इन राहों पर आगे बढ़ने वाले लोगों को स्वीकारना कठिन होता है, जब तक इन सकारात्मक गतिविधियों से हम प्रभावित नहीं होंगे, तब तक ऐसे राहों पर चलने वाले लोगों को हम कैसे पसंद कर पाएंगे। सामान्यतः हम ऐसे लोगों को उपेक्षित करते हैं, इसका अर्थ है कि हम अभी इन राहों से